नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। इस तेज रफ्तार से भागती हुई दुनिया में लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा, गरीबी, बीमारी या बे औलाद होना। और जब लोगों को इस तरह की समस्या होती है तो वो इनसे निजात पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन ये हदें न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर कर रख देती हैं, उनकी खुशियां छीन लेती हैं। लेकिन फिर भी गुनहगार ये ज़रा भी नहीं सोचते कि एक ज़िंदगी को बचाने के चक्कर में वो ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा खास तौर पर देखा जाता है अंगों की तस्करी या मानव तस्करी में। लेकिन आज जिस खबर का खुलासा हम करने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जी हाँ, आज खुलासा हुआ है नवजात शिशुओं की तस्करी का। दरअसल तेलंगाना की राजकोंडा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 16 बच्चों को बरामद किया है। हैरानी की बात तो ये है कि ये गैंग बच्चों को दिल्ली और पुणे में गरीबों और बेघरों से खरीदा करता था। दिल्ली पुणे के बच्चों को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में निसंतान दंपतियों को बेच दिया जाता था। पुलिस ने बच्चों की तस्करी गैंग के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग के बाकी 8 शातिरों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी है। राजकोंडा कमिश्नर डॉक्टर तरुण जोशी ने बताया कि 22 मई को उन्हें हैदराबाद के बाहरी इलाके में दिल्ली पुलिस से एक बच्ची का खरीद फरोख का टिप ऑफ मिला था। पुलिस तेजी से जांच कर रही थी तो 2 महिलाओं शोभा रानी और एम स्वप्ना के साथ शेख सलीम नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। ये तीनों मासूम बच्चों को बेचने के लिए सौदा करने की कोशिश में थे। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि दिल्ली और पुणे से खरीद कर लाए गए बच्चों को साउथ में बेचने का एक नेटवर्क चल रहा है। गैंग के सरगना की पहचान 34 साल के बंदारी चेतन के रूप में हुई है, जो हैदराबाद के बाहरी इलाके में घाट केसर में काम करने वाला एक सुरक्षा गार्ड है। ये गिरोह दिल्ली के 2 लोगों किरण और प्रीति और पुणे के कन्हैया से बच्चों की खरीद फरोख का काम करता था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इन दोनों शहरों से करीब 50 बच्चों को लाकर यहां बेचा गया है। बच्चों को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में निसंतान जोड़ों को दिए गए हैं। खरीदा करने वाले लोग व्हाट्सएप पर फोटो देख कर बच्चे चुनते थे। वहीं इन बच्चों की कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि महज कुछ रुपयों के लिए कैसे बच्चों को बेचा जाता है। जी हां, गैंग के तस्करों का खुलासा है कि बच्चों की कीमत 1.80 लाख रुपए से 5.50 लाख रुपए प्रति बच्चा तक थी। गिरोह के सदस्यों को एजेंटों और बिचौलियों को भुगतान करने के बाद 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए का फायदा मिलता था। पुलिस ने 11 बच्चों को बरामद करके बाल कल्याण गृहों में भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि ये बच्चे गरीब बेघर लोगों से खरीदे गए हैं। बच्चों की उम्र 1 महीने से 2 साल की है। पुलिस अफसरों का कहना है कि पुलिस की टीमें उन परिवारों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है जहां से बच्चों को खरीदा गया है। साथ ही गैंग मेंबर्स के अलावा बच्चा खरीदने वाले 15 कपल्स के खिलाफ बाल तस्करी और किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इन लोगों ने कथित तौर पर पिछले 2 से 6 महीनों में बच्चे खरीदे थे। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चे फिलहाल राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के पास हैं। मामले में अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। शोभा रानी, एम स्वप्ना और शेख सलीम, ये तीनों कथित तौर पर बच्चों को बेचने का सौदा करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें बच्चों को बेचने की, तो कैसे होते होंगे वो माँ बाप जो अपने कलेजे के टुकड़े को चंद रुपयों के लिए बेच देते हैं। ये मजबूरी है या लालच? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग इस तरह के कदम मजबूरी में उठाते हैं, लेकिन कभी कदार ये शराब, ड्रग्स जैसी नशों की आदतों को भी लोगों के फितूर की वजह से भी ऐसा होता है। क्या आपको लगता है कि कोई परिवार इतना मजबूर हो जाएगा कि वो अपने बच्चों की ही तस्करों के हवाले कर दे? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।